एंड देयर इज अ व्यू पॉइंट एंड देख सकते हैं, दिस इज आई लव टेमी एंड यहाँ पे मैं अभी बाइक को करूँगा पार्क रोड। सच में एडवेंचर है भाई। ऑफ रोड भैया जी एकदम नीचे है एंड पूरा ऑफ रोड है भाई। पहले बता दूं, एडवेंचर बोलने से तो रोड ही एडवेंचर बना के रखा है भैया। सच में रोड ही एडवेंचर है, एडवेंचर का मतलब ही है, रोड ही एडवेंचर बना दिया है। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं बुद्धा पार्क से, रावांगला का जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है बुद्धा पार्क से। अभी हम लोग जाएंगे टीमी टी स्टेट, जो एकमात्र टी गार्डन है सिक्किम का। सिक्किम में बस एक टी गार्डन है, वो है टीमी टी स्टेट। थैंक यू सर, आगे। सो यही ट्रैफिक गार्ड थे जो जिन्होंने मेरे को बोला कि तुम पहला राइट मत लेना, तुम स्ट्रेट चलते जाओ, बढ़िया रास्ता है। इसीलिए अप्रिशिएट करना चाहिए, हर आदमी को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो गाइस अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक छो रास्ता टाइप का है एंड ए वाला रास्ता जाएगा नामची की तरफ एंड इधर जाएगा टीमी टी गार्डन एंड पीछे वाला रास्ता जो रास्ते से मैं आया हूँ वो वाला रास्ता जाएगा रावांगला का। सो अभी चलते हैं टीमी टी गार्डन की तरफ एंड यहाँ से टीमी टी गार्डन अराउंड 14 किलोमीटर का है डिस्टेंस। सो गाइस देख सकते हैं दिस रोड गोज टू टीमी टी गार्डन। जैसे कि मैं पहले दिखाया आपको कहाँ से आपको टीमी टी गार्डन वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा एंड अगर आप राइट साइड उधर से राइट साइड जाते तो वो रास्ता जाता आपका नामची की तरफ, और अगर जो रास्ते से मैं आया वो है रावांगला का। अब देखिए कितना ऑफ रोडिंग रास्ता था एंड राइट मतलब टीमी गार्डन वाला रास्ता एंड देख सकते हैं यहाँ पे टेमी 13 किलोमीटर है, यहाँ से टेमी का डिस्टेंस है 13 किलोमीटर। सो चलो चलते हैं। देखिए पहले यहाँ पे विजिट की थी ना, तब ना आपको पता चलेगा कि आप वहाँ पे आए, कौन सा जगह पे आए। सच में दिस इज द ओनली टी स्टेट पूरा एरिया में टी गार्डन जीत सकते हैं, ओनली टी स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम स्टेट में ओनली एक टी स्टेट ये है टी गार्डन एंड यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आई लव टीवी बोलते हैं। जस्ट हाँ सर पूरा था ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है, सीधा नजारा। भाई जस्ट देखो भाई कितना खूबसूरत जगह है। एंड नीचे देख सकते हैं वहां पे एक रेस्टोरेंट है और वहां पे जब देख सकते हैं वहां पे है आई लव टीमी। सो चलो अभी नीचे तक जाते हैं और वहां पे लंच करेंगे आज दोपहर का।
एंड देयर इज अ व्यू पॉइंट एंड देख सकते दिस इज आई लव टेमी इको एडवेंचर रिसोर्ट। सो गाइस देख सकते हैं दिस इज इको एडवेंचर रिसोर्ट एंड द रोड आर ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। एडवेंचर रोड है भाई, एडवेंचर रोड है। पीछे जाते हैं एडवेंचर कहाँ है, सो रोड भी एडवेंचर ही रहेगा एंड देख सकते हैं हाँ द एडवेंचरस रोड सच में एडवेंचर है भाई, सच में एडवेंचर है। ऑफ रोड भैया जी एकदम नीचे है एंड पूरा ऑफ रोड है भाई, पहले बता दूं पूरा ऑफ रोड है। हम देख के आओ टोटल ऑफ रोड पैच है। मेरा रिसोर्ट वाला ने मेरे को गाइड किया कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मज़ा आएगा आपको जाने में, सो इसीलिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे, देखता हूँ क्या मिलता है। रोड एकदम नीचे लेके जा रहा है हम लोग को एंड देखते हैं, एडवेंचर बोलने से तो रोड ही एडवेंचर बना के रखा है भैया, सच में रोड ही एडवेंचर है, एडवेंचर का मतलब ही है रोड ही एडवेंचर बना दिया है। इट्स लाइक चटकपुर, चटकपुर में जो रोड मिलता है एंड सेम रोड यहाँ पे भी होता है बड़ा बंगला। बड़ा बंगला कौन सा है, वो जो रेस्टोरेंट है ना नीचे है ना। बाइक ऊपर है, सकते था को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऊपर। अच्छा ठीक है, यहाँ ही बैठ जाता है।